नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करते हैं ख्वाब में मौत की ताबीर के हवाले से। तो इस ख्वाब के देखने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि ख्वाब में अपनी मौत देखना, किसी की मौत देखना, तो मौत की और भी सूरतें हैं, जैसे कि मौत आने की, किसी हादसे की बदौलत आना मौत, पानी में डूब कर आना, फांसी पर या किसी ऊंचाई से गिरकर, इसी तरह और भी इस ख्वाब के देखने की सूरतें हैं। तो अगर आपका ख्वाब मौत के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकें। तो ख्वाब में अपनी मौत देखना, ये रंजो गम के दूर होने, खुशहाल होने, कर्ज के अदा होने, सुकून हासिल होने, बीमारी से शिफा पाने, खैर व बरकत हासिल होने, तमाम मुश्किलात के दूर होने, मकसद में कामयाब होने, घर में खुशहाली के आने, उम्र दराज होने, कैद से आज़ाद होने, गुनाहों से पाक होने, हज करने और इज्जतो मर्तबा बुलंद होने की दलील है। इसी तरह ख्वाब में किसी और की मौत देखना, ये परेशान होने, किसी हादसा के पेश आने, रंजो गम पाने, घर में खुद को या किसी और के बीमार होने या घबराहट पाने की दलील है। ख्वाब में किसी हादसे में अपनी मौत देखना, ये गुनाहों से बचने, मकसद हासिल होने, दीनदार होने, तमाम रंजो गम दूर होने और आराम और राहत पाने की दलील है। और अगर किसी और की हादसे में मौत देखे तो परेशान होने या अचानक किसी मुसीबत के आने की दलील है। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कत्ल के जरिए अपनी मौत देखे तो ये बीमारी से शिफा पाने, कैद से आज़ाद होने, उम्र लंबी होने, खुशहाल होने और खैर बरकत पाने की निशानी है। पानी में डूबकर अपनी मौत देखना, ये घर में खुशहाली के आने, कर्ज के अदा होने, तमाम मुश्किलात के दूर होने, रिजक में अजाफा होने, मकसद हासिल होने और उम्र में अजाफा होने की दलील है। और इसी तरह अपनी मौत फांसी की तरह, यानी कि फांसी से अपनी मौत देखना, ये कैद से आज़ाद होने, किसी नेमत के मिलने, ओहदा में तरक्की होने, हकूमत या सरदारी के मिलने और खुशी हासिल होने की निशानी है। ख्वाब में अगर आप ये देखते हैं कि आपने आसमान से या किसी ऊंची मुकाम से या उड़ते हुए अपनी मौत को देखा है तो ये दिली मुराद पूरी होने, रिजक हलाल पाने, हज करने, सुकून हासिल होने और वक़ार में अजाफा होने की दलील है। ख्वाब में किसी के मारने या लड़ाई झगड़ा से अपनी मौत देखना, ये परेशान होने, घबराहट पाने और किसी से मिलकर काम करने से नुकसान होने की निशानी है। इसी तरह ख्वाब में आग से या आग में जलकर अपनी मौत देखना, ये किसी आफत के आने, ज़बरदस्त नुकसान होने, तबाह हो बर्बाद होने और मरने की दलील है। साहब ख्वाब को चाहिए कि सदक़ा खैरात करे। इसी तरह ख्वाब में किसी जानवर जैसा कि चीता, शेर, सांप, भेड़िया, रेछ, सूअर, खंजीर या इसी तरह के किसी और जानवर के काटने से या उसके हमला करने से अपनी मौत देखना, ये रंजो गम पाने, दुश्मन से नुकसान पहुंचने और किसी बेगैरत और बद किरदार से वास्ता पड़ने की निशानी है। इसी तरह मौत के बाद जिंदा होना, खुशी हासिल होने, इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, गुमशुदा या नुकसान हुआ हुआ माल के वापस मिलने, दीनों दुनिया की नेमत पाने और बुजुर्गी पाने पर दलालत करता है। इसी तरह ख्वाब में मौत के बाद खुद को कब्र में देखना, ये किसी मुसीबत के आने, कैद होने और रंजो गम पाने की निशानी है। अपने गुनाहों से तोबा करनी चाहिए साहब ख्वाब को
और हस्बे तौफीक सदका खैरात करना चाहिए। इसी तरह ख्वाब में अल्लाह की राह में जहाद में अपनी मौत देखना, ये गुनाहों से पाक होने, मालो दौलत बेशुमार पाने, खैरो बरकत पाने, हज करने, उम्र दराज होने, तमाम रंजो गम दूर होने की दलील है। इसी तरह खुदकशी से अपनी मौत देखना, ये सच्ची तोबा करने, फलाह पाने या किसी गुनाह के करने की यानी कि इलामत है। अगर आप खामे ये देखते हैं कि आपने वतन की खातर अपनी मौत देखी है, तो इस ख्वाब की ताबीर आपके लिए ये होगी कि ये इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, नेक नाम होने, शोहरत हासिल होने, दीनों दुनिया की नेमत पाने, तमाम रंजो गम दूर होने और दिली मुराद पूरी होने की दलील है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो किसी बीमारी से या जलजला से या सिलाब से या किसी ऐसी यानी कि अचानक मुसीबत से अपनी मौत को देखता है, तो ये खैर व बरकत पाने, गुनाहों से पाक होने, खुशहाल होने, मुश्किलात के ख़त्म होने, बीमारी से शिफा पाने और उम्र दराज होने की दलील है। ख्वाब में अपनी मौत पर लोगों को या खुद को या अपने आप को रोते हुए देखना, ये किसी नेमत के मिलने, खुशी हासिल होने, बिगड़े काम संवरने, खुशहाल होने, कारोबार में तरक्की होने और शादी होने की निशानी है। हो सकता है कि आपका ख्वाब इससे कुछ मुख्तलिफ हो, और अगर आप अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से अपने ख्वाब की ताबीर बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।